हेलो एवरीवन। सो आज की कंपनी है अपनी एशियन एनर्जी सर्विस लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी में आप देख सकते हैं कंपनी की मार्केट कैपिटल थोड़ी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा कम है। 303 करोड़ कैपिटल है, सिर्फ 303 करोड़ रुपए की कैपिटल है कंपनी की। आरओसी तो बहुत अच्छा है, 18.1% है। आरओई भी सही है, 17.4% है। ठीक है, क्वार्टर दर थोड़े से खुद देख लीजिए आप। देखिए क्वार्टर रिजल्ट्स अब तक के आप देखेंगे 19 से लेके 22 के मार्च तक प्लस में रहे हैं। कम है पर प्लस में रहे हैं, बट 22 के मार्च के बाद जून में, सितंबर में, दिसंबर में ये लॉस में आ गए हैं। -8 करोड़ का लॉस है जून 22 में। सितंबर में है -19 करोड़। ठीक है, दिसंबर के 22 में है -10 करोड़। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट में चलते हैं, वो सॉरी ईयर और ईयर प्रॉफिट की बात करते हैं। तो कंपनी ने 2022 में अपना प्रॉफिट शो किया है 39 करोड़ का। ठीक है, बट TTM को देखें -29 शो कर रहा है, तो आगे आने वाला प्रॉफिट नहीं लॉस हो सकता है। ठीक है कंपनी का। सो बैलेंस शीट में देखें कंपनी डेब्ट फ्री है। कंपनी के पास डेब्ट वो 20 करोड़ का है, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। प्रॉपर डेट फ्री तो नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी। कंपनी पास जो रिजर्व है 178 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। कैश फ्लो में चलें तो कंपनी के पास 2022 में 5 करोड़ का कंपनी के पास कैश फ्लो रहा है, यानी कितने का आवागमन रहा है अमाउंट का। कंपनी के पास जो प्रोटर की होल्डिंग है वो बहुत अच्छी है, 59.62% है प्रोटर की होल्डिंग। फॉरेन स्टेशन की होल्डिंग है 0.05%, पब्लिक की है 39.33%, अदर की है 1%। ठीक है, तो अभी इस स्टॉक में ना कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि हमको एक्साइट कर सके कि हाँ स्टॉक चलने वाला है। फंडामेंटल को देखते हुए, जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है स्टॉक में। ठीक है, आन हो सकता है, बट अगर टेक्निकल की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है। आपको भी दिखाता हूँ मैं क्या दिखा मेरे को यहाँ पे। तो ये डेली, अभी मैंने वीकली लगा रखा है चार्ट। ठीक है, तो स्टॉक आया था तकरीबन दिसंबर 21 में। ठीक है, वहां से थोड़ा डिप जाके ऊपर चला गया, ऑल टाइम हाई बना दिया इसने 175 रुपए के आसपास। ठीक है, अब वहां से कंटिन्यूसली नीचे गिरता हुआ आया, कंटिन्यूसली। बट बीच में ना कुछ वॉल्यूम बने हैं, जैसे ये बन गया, फिर एक ये बन गया, फिर एक ये बन गया, फिर यहाँ पे दो बन गए। अब ये यहाँ पे दो वॉल्यूम बने हैं, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, एक मिनट रुको, अब ये यहाँ पे दो वॉल्यूम बने हैं ना, ये वॉल्यूम बहुत बड़े हैं। मतलब देखा जाए ऑलमोस्ट अपने आस पास के साइज से कुछ बड़े वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम के साथ में ही ना प्राइस की मूवमेंट बहुत बड़ी हुई है। जैसे कि दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लोज हो गई थी प्राइस 65-70 रुपए के आसपास, ये वाली कैंडल, इस पर मैं फिंगर कर्जा रखा हुआ है। ठीक है, और इसकी ओपनिंग होती है 72-73 के आसपास, यानी तकरीबन तकरीबन 3-4 रुपए के आसपास ऊपर, एंड वही क्लोज होता है काफी ऊपर जाके क्लोज हुआ 78 के आसपास। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि चार्ट कुछ और दिखा रहा है, फंडामेंटल कुछ और दिखा रहे हैं। तो देखो, अगर ऐसे किसी भी स्टॉक में ना अगर ऐसे डाउट रहे तो मैं कहूँगा छोड़ दो, भले ही कितना भी अच्छा रन करने वाला स्टॉक हो, कितना भी कुछ हो, छोड़ना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि रिग्रेट चाहे लेने का हो या ना लेने का, दोनों ही ख़राब होते हैं, तो रिग्रेट नहीं करना है, स्टॉक काफ़ी हैं। ठीक है, तो बाद में कुछ अच्छा मिलेगा तब लगा लेंगे, जैसे फंडामेंटल भी अच्छे हों, चार्ट भी सही शो कर रहा हो उसमें लिख लेंगे। बस वैसे तो मैं चार्ट देख के स्टॉक लेता हूँ ज़्यादातर, फंडामेंटल बहुत कम देखता हूँ, बट मैंने फंडामेंटल देखना चालू कर दिया कि फंडामेंटल पर भी कभी चार्ट डिपेंड हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मेरी साइड से तो क्रॉस है, मतलब मैं तो इस टाइप के स्टॉक नहीं पिक करता, और बिल्कुल नहीं, ना किसी को सजेशन देता हूँ इस टाइप के लेने के लिए। बस चार्ट काफ़ी स्ट्रांग था। अगर हाँ, अगर अगले क्वार्टर में, यानी कि इस मार्च के लास्ट तक प्रॉफिट आ गया, नेक्स्ट में प्रॉफिट आ गया बड़े अमाउंट में, तो पॉसिबल है कि स्टॉक ऊपर घूम जाए, बट देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, डन फॉर टुडे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।